हेलो, सुना हूँ तंसीम। दोस्तों, आज के टाइम में सभी लोग ये चाहते हैं कि यार जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है उसी से मैं जो है घर बैठे 3-4 घंटे काम कर लूँ, किसी का प्रेशर भी ना रहे और अच्छी सी अर्निंग भी कमा लूँ। मेरे पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, चाहे मैं 8वीं पास हूँ या फिर फेल हूँ या फिर 10वीं पास हूँ, मुझे जो है कुछ काम मिल जाए ताकि मैं कुछ अर्निंग वहाँ से निकाल सकूँ। ये सभी लोग की डिमांड है दोस्तों, और ये बहुत ही जायज़ डिमांड है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब इंटरनेट पर जाते हो, यहाँ पर ऐसे सैकड़ों और हज़ारों यहाँ पर जो है जॉब्स मिले हुए हैं, उसमें पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा सही है। आज की वीडियो अगर आप लोगों ने ओपन किया दोस्तों तो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे श्योर शॉट 100% जेन्युइन चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और जितने भी व्यूवर्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सभी लोग अपने मोबाइल से वो चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहे 8वीं पास हो, फेल हो, चाहे फिर आप 10वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, या जो भी क्वालिफिकेशन है, कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। आप कहीं से भी रहते हो, आप लोग ये काम कर सकते हो। चाहे आप तमिल, तेलुगु, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज आप लोग बोलते हो, अगर आप भारतीय हो, आप लोग यहाँ से काम कर सकते हो। कोई लैपटॉप का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही सारा काम आप लोग को करना है। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप, जब सभी लोग यहाँ पे, हज़ारों लोग यहाँ अप्लाई करोगे, तो आप कैसे सेलेक्ट होगे। उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ रखा हुआ है, एक सटीक जुगाड़ है वहाँ पे, ज़रूर से ज़रूर उसको वीडियो के एंड में देखना। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं जियो की बात कर रहा हूँ। जियो एज अ फ्रीलांसर, जियो आजकल जो है फ्रीलांसिंग का भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसमें करीब मैं आप लोग को 15,000 इस तरीके की जॉब ओपनिंग्स आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोग अगर देखोगे जियो के फ्रीलांसर की एवरेज सैलरी कितनी है, तो लगभग यहाँ पे 30,000 होती है, जो अगर आप लोग 8,000 एक दिन आप लोग करोगे एज अ फुल टाइम। लेकिन अगर आप लोग पार्ट टाइम करते हो 3-4 घंटे, तो आप लोग कम से कम 15,000 से 20,000 रुपये यहाँ पे आराम से कमा सकते हो। तो पूरा प्रोसेस देखिए, होता क्या है कि ये जो प्रोसेस है, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप्स हैं, और बेसिस में जो एक एक स्टेप को आप लोग जब सही सही फॉलो करोगे, तभी आप लोग को यहाँ पे जो है कॉल आती है और आप वहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे कोई देखिए, बाद में आप अप्लाई करने के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आप लोग का सारा चीज़ जो मैं बताऊँगा सब वहीं हो जाता है, जैसे मैं इंडिया मार्ट में बताया था उसी तरीके से। और उसके बाद आप लोग का कॉल या मेल आता है, तो आप समझिए वो आप लोग का शॉर्ट लिस्टेड है, आप वहाँ सेलेक्ट हो चुके हो। इसलिए बहुत ही ध्यान दे के, फोकस होकर सारे स्टेप्स को देखना दोस्तों, बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो के एंड में आप लोग ज़रूर वो चीज़ देख लेना जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोग भी क्या इस तरीके की फ्रीलांसिंग वाली जॉब चाहते हो, और आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है, कौन सा मोबाइल आप लोग यूज़ करते हो, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर मार देना, अगर आप लोग पहली बार चैनल में, तो मेक श्योर नीचे लाल लाल सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना, और बगल नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी डेली जॉब अपडेट्स मैं आप लोग खिलाता रहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ ए टू जेड। अब दोस्तों, यहाँ जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप लोग क्लिक करोगे तो ये जियो कैरियर्स का पोर्टल है। मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ आपको कि आप अपने स्मार्टफोन में भी इसको ओपन कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप चाहे तो अपने गूगल क्रोम को ओपन करो, अपडेटेड गूगल क्रोम जो है होना चाहिए, उसके बाद उसमें डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लो, वो ऐसे खुल जाता है। ठीक है, मैं आप लोग को लैपटॉप और मोबाइल दोनों तरीके से आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल जो है अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाता हूँ। यहाँ पर इस तरीके का वेब पेज आप लोग को ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं। फ्रीलांसर, सेल्स एसोसिएट, बिजनेस ऑपरेशंस, हमें और चीजों से मतलब नहीं है, हमें ये जो फ्रीलांसर का जो पहला वाला पार्ट है इससे मतलब है। अब आप कहोगे कि ये जो बगल में फ्रीलांसर सेल्स एसोसिएट है वो भी वही चीज है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बता देता हूं। फ्रीलांसर जो पहला वाला है, जिसमें ये मोबाइल इस तरीके से दिखा रही है मैडम, तो इसमें आप लोग का सिर्फ कस्टमर सर्विस वाला काम है, इसमें कोई सेल्स टारगेट का कोई झंझट नहीं है। आप अपने टाइम पे अपने हिसाब से लोगों को बताना है, क्या बताना रहता है, जो जियो में आप लोग का प्लान आता है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुई है, क्या और वाउचर ले सकते हैं, किस तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बतानी होती हैं बस। और ये सो सेल्स वाला काम है, इसमें आप लोग जानते हो कि टारगेट रहता है, कुछ आप लोग को जियो का सामान कुछ बेचना होता है, कुछ पैकेज बेचना होता है, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, कुछ बताना होता है, इस तरीके से कस्टमर को कन्विंस होता है। वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें ये जो पहला वाला फ्रीलांसर है ये चाहिए। अब यहाँ देख सकते हो 7,000 इसमें और 7,000 इसमें, दोनों मिला के 15,000 जॉब ओपनिंग से आप दोनों में कर सकते हो। पर मेरा रिकमेंडेशन है, आप फ्रीलांसर पहले वाले में करो, जिसको सेल्स में मतलब है, जिस सेल्स में जाना चाहते हो आप सेल्स में कर सकते हो। ठीक है, बाकी के और भी है जॉब्स, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको उसमें जाना है। आज मैं फोकस करूंगा ये फ्रीलांसर जो पहला कस्टमर सर्विस है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बगल में देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग अपने लोकेशन वाइज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लोकेशन लखनऊ लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे लखनऊ लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हो, और सर्च करोगे तो दोबारा आपको यहाँ पे इस तरीके का पेज आएगा। आप देख सकते हो 143 जॉब्स हो गए हैं जो कि सिर्फ लखनऊ में है। आप फ्रीलांसर पे फिर यहाँ पे क्लिक करोगे और नीचे आप लोग को 143 पूरे जॉब्स दिखा देंगे जो लखनऊ में अवेलेबल है। सपोज मैं ये पहला वाला यूज़ करता हूँ जो कि लखीमपुर के हिसाब से है, और वहाँ पे आप लोग, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि 7 सितंबर 2021 का है पुराना, इससे आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल लेटेस्ट जॉब्स ही, आप देख सकते हो फ्रेशनेस के हिसाब से या टुडे के हिसाब से आप लोग यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट ही जॉब आएगी।
एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि हमेशा ये फ्रेशनेस ही रहना चाहिए, क्योंकि वो फ्रेश जॉब्स ही आप लोग को ला के देगा, उसी को आप लोग को अप्लाई करना है। ये डेट हमेशा जो है अवेलेबल रहती है, इसी तरीके का डेट यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन ये जो जॉब ओपनिंग है हमेशा रहती है, ठीक है, ये डेट चेंज भी करते रहते हैं। अब इस पर अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दिखा देता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पहले मैंने आप लोग को बताया था, कस्टमर से बात करना होता है, जियो के बारे में एक्सप्लेन करना होता है, जियो रिचार्ज होता है, ठीक है, आप लोगों को कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करना है, जियो के प्लान्स, प्रोडक्ट्स और सर्विस को बताना होता है, ये सारी चीज़ें बस होती हैं, ठीक है। एजुकेशन देखिए, मिनिमम 10th पास यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने, 10th पास आप लोग हैं तो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, चाहे तो आप लोग अगर 8th पास हो तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 10th यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफर्ड, ठीक है, 10+2 यहाँ पे प्रीफर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चलेगा, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपको आनी क्या चाहिए, सिर्फ लिखना पढ़ना आना चाहिए, बेसिक लिखनी, रीडिंग एंड राइटिंग आप लोग को आना चाहिए, स्मार्टफोन किस तरीके से यूज़ करना होता है वो चीज़ बस आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आप लोग, चाहे आप कहीं भी रहते हो, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कहीं भी, गुजराती, सब लोग आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेल्स और कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आप लोग को आनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग कस्टमर से बात करनी है। एबिलिटी टू लर्न आप सीख सकते हो, ये आप लोग को होना चाहिए। और आप लोग को गोल, जो भी आप लोग को करना है, कस्टमर को बात करनी है, उसको ये समझाना है, वो चीज़ पे आप लोग को फोकस करना है, बस इतना सा काम रहता है। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि हम न्यूज़ यूज़र हैं, हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन जो ऊपर दिख रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग से पूछेगा कि आप अपना प्रोफाइल पहले अपडेट करिए। हम यहाँ पे न्यू यूज़र पे कर लेंगे, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके के पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लो, ईमेल एड्रेस आपको सही सही डालना है यहाँ पे, अपना पासवर्ड, पासवर्ड याद रहे कि कैपिटल स्मॉल लेटर, और यहाँ पे जो है आपको नंबर्स भी डालने होते हैं, इस तरीके का पासवर्ड बना लेना, कंफर्म पासवर्ड वही चीज़ रखना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उसमें से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना, ये चीज़ सही सही होनी चाहिए, कंट्री, फ़ोन नंबर यहाँ पे, और जो कैप्चा बगल में दिख रहा है उसको सही तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। मैंने ये आपको डेमो पर्पज़ के लिए ये चीज़ दिखाया, ये रियल डेटा नहीं है, सिर्फ आपको ये अप्लाई करने के हिसाब से दिखाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बगल में जो नीचे बटन है, ब्लू बटन, कन्फर्म, उसको आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो करता है कि आप, ये सारा डेटा आपके हिसाब से सही है और आप इसको एग्री करते हैं, आप इसको एग्री कर लीजिए। और उसके बाद दिखाएगा कि ठीक है, आप जो है यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं हमारे तरफ और आप जो है अब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब दिखा देता हूँ कि आपका जो मैंने, जो आपने ईमेल आईडी दिया है, उस पर एक मेल भी आ जाएगा, जैसे मुझे इस तरीके का मेल आया है, तो आपको सिर्फ जो है यूज़र नेम वहाँ पे दे देगा कि आप कभी उसको यूज़ कर सकते हो। दोबारा इस पेज पे आ जाओगे आप दोस्तों ऑटोमेटिकली वहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा हमें लॉगिन करना होता है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड, और इससे मैं जो है लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको अब जो है प्रोफाइल भरना है। अभी याद रहे कि हमने अप्लाई नहीं किया है जॉब को, अभी हम जस्ट अपडेट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल, ताकि जियो के डेटाबेस में रहे कि हाँ ये बंदा है जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, ठीक है। आप यहाँ अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, बस बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो लॉन्ग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सीख जाओगे तो आपको, आप जो है अर्निंग अच्छी खासी यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ वेट कर लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल आप लोग को यहाँ फिल करना है, अबाउट योर सेल्फ, 100 करेक्टर्स का मिनिमम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वर्क, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए फिल कर रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने लिख दिया माई नेम इज़ मोहम्मद तंजीम और मैंने आई एम इज़ अ हार्ड वर्किंग, इस तरीके से आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप बिल्कुल इसी तरीके का कॉपी मत करना, कुछ थोड़ा बहुत जरूर चेंज कर लेना अपने हिसाब से, कुछ एक्सपीरियंस है जरूर मेंशन करना। और यहाँ पे देख लीजिए स्पेशल करेक्टर सिर्फ डॉट अलाउ है, आप डॉट ही रखिएगा इसमें, कुछ इस तरीके का एक्सक्लेमेशन मार्क्स वार्क्स मत रखिएगा, सिंपल सा इंग्लिश और डॉट रख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरीके का मिल जाएगा, आपको कंट्री, स्टेट, सिटी भी लिखना है, और चूज फाइल, आपको रिज्यूम बनाना है। अब रिज्यूम में दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि सिर्फ मैक्सिमम 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिज्यूम। रिज्यूम किस तरीके से बढ़िया रिज्यूम बनाएं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको करके PDF में सेव कर लेना, और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा साइज़ है उसको छोटा कर लेना, ऑनलाइन में छोटा हो जाता है। यहाँ पे चूज़ करके अपने फ़ोन से ही उसको अटैच कर लेना, और उसके बाद हम नीचे नेक्स्ट करेंगे। ये जो नीचे सोशल मीडिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट यहाँ पर कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे एड्रेस के बारे में बताना है। मैंने यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए जो है एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है, आपको अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, पोस्टल पिन कोड भी लिख देना है, और नीचे अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आप ये चेक मार्क लगा दोगे ब्लू कलर का, कॉपी फ्रॉम प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका चेंज है, परमानेंट एड्रेस दूसरा है कहीं और का, गाँव का है कहीं का, तो आपको वो चीज़ मेंशन करके लिखना होगा, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एड्रेस ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार, जो रेड कलर का स्टार होता है वही ज़रूरी होता है, नीचे देखिए स्टार नहीं है, आप उसको फिर भी कॉपी कर सकते हो,
हो, कॉपी फ्रॉम, अगर आपका इमरजेंसी में आपको कॉल करना हो तो किस एड्रेस को यूज़ करें वो आप ले सकते हो, ठीक है। कई लोगों के मन में आएगा कि यार ये सारी चीज़ें मुझसे पहले क्यों रह रहा है। जियो जो है एक अप्रूव्ड और जेन्युइन वेबसाइट है, एक कंपनी है, ट्रस्टेड है, आप यहाँ डेटा दे सकते हो। वैसे भी आप अगर टेलीफोन यूज़ कर रहे हो, सिम कर रहे हो जियो का, तो जियो का डेटा, जियो आपका डेटा जियो के पास है, ठीक है। तो अब जो है आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, उसके बाद आपका जो है और भी इन्फॉर्मेशन पूछता है, जैसे कोई एक्सपीरियंस वगैरह है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस वगैरह जीरो रख दिया, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो। एक चीज़ ध्यान से सीख लीजिए, यहाँ पे जो स्किल्स है यहाँ पे आप लोग को CRM लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बहुत आएंगे, C++, जावा, इस तरीके का, .NET, इस तरीके की। तो जो भी स्किल आप लिख दो, CRM ज़रूर लिखना है इसमें। अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो, कस्टमर रिलेशनशिप वाला काम करना है, तो CRM लिख के आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए और भी चीज़ें, MS Excel भी आप लोग ज़रूर उसमें टिक कर लेना। नीचे स्क्रॉल करोगे जो आता जाएगा उसको टिक लगा देना, MS Excel कर लेना। अब नीचे आएंगे दोस्तों, इस तरीके का आप जो है आपका कंपनसेशन, कितनी सैलरी पाते हो, कोई पाते हो, नहीं पाते हो, जीरो लिख दो। एजुकेशन लेवल 10th स्टैंडर्ड है, आप उससे कम उसके हो तो मिनिमम 10th आप लोग को ज़रूर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे स्कूलिंग अगर दी गई तो स्कूलिंग भी लिख सकते हो, नहीं तो 10th स्टैंडर्ड ही लिखना, ठीक है, चाहे तो आप 8th पास हो तो भी। और उसके बाद डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ज़रूर यस लिखना, नहीं है तो नो कर देना। लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके एनरोल करना होगा आधार पे, ठीक है, जो ब्लू कलर का यहाँ पे दिया गया। आपको इंटरेस्ट ग्रुप में कस्टमर सर्विस डालना है और विलिंगनेस टू ट्रेवल, क्या आप कभी बाद में ज़रूरत पड़ी तो आप ट्रेवल कर सकते हो, तो 50 लिखना कि हाँ कभी कर सकता हूँ, कभी ज़रूरी नहीं है। विलिंगनेस टू रिलोकेट तो नो कर देना, क्योंकि आपको घर से ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू करके, और यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन मांगा है। तो एजुकेशन में आपने जो सपोज़ किया 10th आपने पास किया है, तो आपने किस मंथ में या फिर किस ईयर में आपने पास आउट किया, फिर आपने 8th पास किया या फिर कोई भी स्कूलिंग की है, तो यहाँ पे मैंने जो है डेट यहाँ पे लिख दिया है अपना, स्टार्ट मंथ कब आपने स्टार्ट किया था, तो अपने अंदाजे से लिख सकते हो या फिर एक्यूरेट पता है मार्कशीट से तो लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए जो आपका ब्रांच है, किस में आपने पढ़ाई की है, तो आप अगर आप BA की हो, BSc की हो, आप यहाँ पे कर सकते हो चूज़, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने 10th किया तो ये भी आ रहा, अगर आपने 8th, 7th, 6th किया है तो आप यहाँ नीचे स्कूलिंग देख सकते हो, स्कूलिंग भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप चूज़ करोगे किस लैंग्वेज में, किस मतलब सब्जेक्ट में आपने किया है, तो अगर हिंदी में किया, साइंस में किया, वो सारे ऑप्शन है यहाँ पे, हिंदी चूज़ कर लीजिए, हिंदी मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्कोर कितना है, कई जगह जैसे ICSEI बोर्ड में आपका ग्रेड देते हैं तो उसको परसेंटेज में जो है चेंज करना होता है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर लेना और यहाँ पे अपने मार्क्स यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया यहाँ पे 45%, कंट्री इंडिया, और फिर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों इस तरीके का दिखा देता है कि हाँ ये एजुकेशन आ गया। और भी ऐड करना चाहते हो एजुकेशन तो ऐड मोर का कॉलम है, उस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट पे एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इस पर लिखा हुआ है क्लियरली दोस्तों कि फ्रेशर जो है स्किप कर सकते हैं, ये पेज फ्रेशर को ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिंपली जो बगल में ऊपर एडिशनल इन्फो है उस पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे सेव वगैरह नहीं, सेव करोगे तो यहाँ पे फिर पूछेगा कि यार फिल करो, तो ऊपर एडिशनल इन्फो है उस पर आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे कोई रेफरेंस अगर देना है आपको, जो एक्सपीरियंस है अगेन उनके लिए, आप नीचे देख सकते हो मैंडेटरी फॉर एक्सपीरियंस, फ्रेशर के लिए नहीं है। यहाँ पे आप जो है फिर इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद इन्होंने बोला है कि हाँ सबमिट हो चुका है प्रोफाइल आपका, अब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। याद रहे दोस्तों अभी हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, दोबारा आप ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाओगे जो कि मेन पेज है, ठीक है। अब आप लोग को फिर से वही लखनऊ चूज़ करना है, या फिर जो आपका लोकेशन था, जो आपने पहले शुरू किया था, जो चूज़ किया था उसको चूज़ करके फिर आपको फ्रीलांसर पे जाना है, और यहाँ पे नीचे वही वाला जो कोड है फ्रीलांसर का उसको सर्च करना है, उस जॉब को याद रहे, और उसी को हम लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई नाउ करेंगे और ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है, पोजीशन भी आ चुकी है। अब आपको अपने मेल पे ये चीज़ दिखेगी, ठीक है, इस तरीके की आपको एक OTP भी आ जाएगा, आपके मोबाइल पे भी और आपके ईमेल पे भी इस तरीके का आ जाता है, ठीक है। और कई ईमेल और भी आ जाएंगे, आप एक से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हो, सारे मेल आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसके बाद होता क्या है। इसके बाद जब आपके पास एक मोबाइल पे जो आपने नंबर दिया था उस पर एक OTP आ जाता है, आप यहाँ देख सकते हो उस तरीके का OTP आएगा, इसको यूज़ करके हम जियो कैरियर से जाएंगे। तो जियो कैरियर्स पे हम जाएंगे, जियो कैरियर्स प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लेना, उसका लिंक मैं दे दूंगा। यहाँ पे जाके आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप लोग को यहाँ पे जो है लॉगिन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसी तरीके का पेज आप लोग को दिख रहा होगा, ओपन हो जाएगा। नीचे जो असेसमेंट है दोस्तों, अब हमको यहाँ पे असेसमेंट देना है। यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट होता है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है, वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है और ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, सभी
जगह नहीं हो पाता, अगर आप ट्राई करोगे मोबाइल से तो सेव नहीं हो पाता, एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए मैंने किया है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा और टाइम यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीलांसर यहाँ पे दिखा रहे हैं, नीचे असेसमेंट है, उसको आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे तीन ब्लू टिक्स यहाँ पे दिख जाएंगे, ब्लू सेक्शन दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को देख सकता है एक्सेस योर सेल्फ शेड्यूल टेस्ट और वीडियो इंटरव्यू, ठीक है। सबसे पहले शेड्यूल टेस्ट पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप लोग जो है यहाँ पे एक टेस्ट आप लोग को देना होगा छोटा सा, ठीक है। तो जियो कस्टमर एसोसिएट, उस पर आप लोग को क्लिक करेंगे और उसके बाद इन्होंने बोला है कि क्या आप असेसमेंट अभी दे सकते हो, आप अभी रेडी हो, या नहीं तो आप टेक लेटर पे भी कर सकते हो, बाद में भी टेस्ट दे सकते हो जब आप रेडी रहो, ठीक है। यस करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये 30 मिनट्स का यहाँ पे रहेगा, तो 30 मिनट्स के लिए आप जो है एक ऐसी शांत जगह चली जाइए, वहाँ जो है नॉइज बैकग्राउंड वगैरह ना रहे, और आप ये टेस्ट एक ही गो में दोगे, मतलब वन टाइम में ही दोगे, ऐसा नहीं बीच में छोड़ देना है, तो ये चीज़ ध्यान रहे। उसके बाद हम यस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे बोला है कि इंटरनेट वगैरह आप देख लेना, कनेक्टिविटी वगैरह सब सही है, बैटरी पावर सब सही है मोबाइल का, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो OTP आया है आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे, उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। डालने के बाद स्टार्ट असेसमेंट करोगे दोस्तों, तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपना जो है एक्सेस दे दो वॉइस रिकॉर्ड करने का, तो उसको वाइल यूजिंग द ऐप इस तरीके से कर देना, एक्सेस दे देना। उसके बाद बोलेगा कि मीडिया डिवाइसेस को भी एक्सेस देना है, फोटोज़ वगैरह का अलाउ कर देना। उसके बाद जियो कस्टमर एसोसिएट पे क्लिक करोगे ग्रीन बटन पे, तो आपका असेसमेंट स्टार्ट होगा। उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे चार क्वेश्चंस रहेंगे जैसा इन्होंने बताया है, 2 मिनट रहेगा ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, सिर्फ 2 मिनट का, ऐसा कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कोई निगेटिव मार्किंग ऐसी नहीं है। यहाँ पे आप स्किप क्वेश्चन को जो है स्किप भी कर सकते हो, इन्होंने बोला है, और आप टेस्ट को जो है बिना सबमिट किए आंसर छोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्विट नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना। नीचे आई अंडरस्टैंड पे चेक मार्क लगा देना है और बिगिन टेस्ट हम लोग करेंगे। बिगिन टेस्ट में दोस्तों पहला वाला आता है कि आपके पास 4G स्मार्टफोन है कि नहीं है, तो आप यस करोगे। दूसरा है दोस्तों कि क्या आप जो है अपने लोकल लैंग्वेज में बोल पाते हो, तो वाकई यार सभी लोग बोल पाते हैं, ठीक है, यस कर देंगे। और क्या आप जो है लोगों से बात करने में कंफर्टेबल हो, सहज महसूस करते हो, तो आप इसको यस करोगे जो नीचे वाला है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला है कि क्या आपके पास जो है जियो नेटवर्क है और क्या वो उसमें नेटवर्क अच्छा आता है, तो आपको ज़रूर यस करना है। ये सब करने के बाद दोस्तों देख सकते हो सारे चारों अटेम्प्टेड हो चुके हैं। अब हम इसको नीचे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इन्होंने बोला है कि क्या आप श्योर हो, तो हम कहेंगे हम ठीक है, ओके ओके करने के बाद यहाँ पे रिस्पांस हमारा सबमिट हो चुका है, थैंक यू यहाँ पे बोला इन्होंने। अब ये इन्होंने बोला है कि एक वीडियो इंटरव्यू होगा। अब देखिए वीडियो इंटरव्यू आपका यहीं पे होगा और ये कोई बहुत इसमें घबराने वाली बात नहीं, काफ़ी लोग आप लोग जो घबरा जाते हो यार वीडियो होगा कैसे फेस करेंगे, कोई वहाँ पे बंदा नहीं आएगा कोई सामने से कि आपका वीडियो इंटरव्यू ले रहा है, ये सब ऑटोमेटिक है। और ये स्टेप दोस्तों इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बाद में आपका सिर्फ एक मेल आएगा जो बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सेलेक्टेड, कोई बाद में इंटरव्यू नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखो इसको, बस ये स्टेप आपका बचा हुआ है वीडियो इंटरव्यू। तो इसमें क्या होगा, आप लोग को इसको ओके करना है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला सेक्शन है वीडियो इंटरव्यू, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है कि यहाँ पे चार क्वेश्चंस अगेन आएंगे, चार क्वेश्चंस भी बहुत कम टाइम में आप लोग को मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है, 0% कंप्लीट है, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। अब यहाँ पे इन्होंने फिर बोला है कि आप एक शांत जगह वहाँ पे बैठ जाइए इंटरव्यू के लिए और अपने फ़ोन को किसी इस तरीके से रख देना सामने, ताकि जो है चेहरा वगैरह सब सामने आए और आपका जो है कंधा भी उसमें विजिबल हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि, और प्रॉपर ड्रेस पहन के आप लोग को यहाँ पे बैठना है, ठीक है। और बैकग्राउंड लाइट भी सही होना चाहिए, दीवार वगैरह सही होनी चाहिए या पर्दा हल्के कलर का, और लाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप लोग क्वेश्चन का जो आंसर होगा बहुत छोटा रखना, कोई बहुत लंबा चढ़ा बढ़ा के नहीं, बहुत छोटा सा, और जो मांगा है जो पूछा है बस वही बताना है, ठीक है। और हम यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अभी इन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपका जो है यहाँ पे अगर कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी इसको शुरू कर सकते हो, वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों चार क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं और सभी क्वेश्चन के लिए 90 सेकेंड दिया है, लगभग 1.5 मिनट दिया है। पहला वाला क्वेश्चन है टेलस अबाउट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोलेगा कि ठीक है स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट करेंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। नीचे जो है लाल कलर का एक बटन आता है और आपका फेस यहाँ पे जो है दिखेगा उस कैमरे पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोलना है लगभग 45 सेकंड से 1 मिनट में भी आप बोल सकते हो, और यही बोलना है कि माय नेम इज मोहम्मद तंजीम, आई हैव स्टडीड दिस मच एंड आई हैव गॉट दिस मच परसेंटेज, आई एम फ्रॉम जो है लखनऊ, और आई हैव स्टडीड, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन एंड सिंसियर गाय, इस तरीके के इंग्लिश में बोलना है, नहीं तो अगर आप हिंदी आता है तो हिंदी बोल लेना, ट्राई करना इंग्लिश बोलने का या फिर मिक्स बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से करके फिर से लाल बटन पर आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो है सब जो है रिकॉर्ड कर लेगा, वो स्टॉप हो जाएगा
जाएगा, उसके बाद एक ग्रीन कलर का बटन आएगा, उसको आप लोग क्लिक करोगे तो वो चीज़ में पूछेगा कि क्या आप अपलोड करना चाहते हो वीडियो, तो आप ओके कर देना, वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आप देख सकते हैं जो है ब्लू कलर वहाँ पर टिक हो गया, पहला हो चुका है। अब आपका तीनों क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ वाई डू यू वॉन्ट टू एसोसिएट विद जियो, जियो के साथ आप क्यों जुड़ना चाहते हो, तो आप इस तरीके से बोलना क्योंकि मैं जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ, इसकी नेटवर्क बहुत अच्छे हैं, इसके जो है प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं, रिचार्ज करने में बहुत आसानी होती है, मेरे घर पे जो है जियो का ब्रॉडबैंड लगा है या फिर मेरे दोस्त के घर पे लगा है तो वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे रिस्पांस आता है, स्पीड अच्छी होती है, ये सब चीज़ बोलना है आपको इस तरीके से। ठीक है, लगभग एक मिनट या 45 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या कोई एक अचीवमेंट बताइए आप लाइफ में अपने कुछ अचीव किया हो, आपको खुशी महसूस हुई, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने जो है पढ़ाई की थी और बहुत कम टाइम में मैंने बहुत मेहनत की और मुझे जो है रैंक 1 मिला, या फिर मैंने कुछ और कहीं फंक्शन होना था वहाँ मैंने बहुत ऑर्गेनाइज़ किया, मैनेज किया लोगों को। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को एक चीज़ बोलनी है। लास्ट वाला है दोस्तों कि क्या अगर आपको पास स्मार्टफोन नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप उनको कैसे राज़ी करोगे, कन्विंस करोगे, तो आप देखिए दोनों चीज़ बोलिएगा कि मैं बोलूँगा अपने पेरेंट्स से कि स्मार्टफोन मुझे चाहिए लेकिन इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं और निगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, ये होता है, गेम वगैरह होती है, लेकिन मैं जो है इसमें गेम वगैरह कम खेलूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको जो है स्टडी के पर्पज़ से लगाऊँगा, इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जब सारे आपको चारों क्वेश्चंस के ब्लू टिक यहाँ पे हो जाएंगे फिर आपका टेस्ट जो है सबमिट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली और आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है चला जाएगा उनके पास, जियो कैरियर्स के पास। अब इसके बाद होता क्या है दोस्तों, आप लोग को एक हफ्ते तक आप लोग को यहाँ पे वेट करना है, किसी किसी को 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वो रिज्यूम उनका कितना अच्छा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको परेशान नहीं होना है, एटलीस्ट 1 वीक आपको वेट करना है और वहाँ से आप लोग को मेल या फिर कॉल ज़रूर आती है और वहाँ से आप लोग को ये अगर मेल आती है आप समझ जाइए ये कॉल आती है कि आप लोग का शॉर्टलिस्ट आप लोग हो गए और यहाँ पर सिलेक्शन होना है। उसके बाद आपके सिटी में जो नियरेस्ट ब्रांच का जो भी जियो का है ऑफिस वहाँ के मैनेजर आपको कॉल करते हैं और आपको जो है एक दिन के लिए बुला सकते हैं या फिर कुछ के लिए बताने के लिए सारी चीज़ें और उसके बाद अपना काम जो है स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है लेकिन सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर रहे हो लेकिन इसमें से आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जो है रिज्यूम बढ़िया बनाना, जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देख के 2 पेज से ज़्यादा मत रखना। और दूसरी चीज़ दोस्तों आप लोग को मैं यहाँ पे ई स्किल इंडिया की तरफ ले जा रहा हूँ, ये जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट है जहाँ आपको फ्री में लर्निंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो आप लोग को यहाँ पे CRM जो कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग को यहाँ पे जाएगा हिंदी में और इसको आप लोग अपने रिज्यूम में लगाना तो आप लोग को प्रेफरेंस मिल जाएगा, वहां पे जल्दी सिलेक्शन होता है। ठीक है, क्या करना है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इस पर क्लिक करोगे तो यहां पे पहुंच जाओगे, सारे कोर्सेस हैं, सिंपली आप लोग को यहां पे फाइंड कोर्स में यहां पे CRM लिखना है इस तरीके से और इसको जो है यहां पे सर्च करना है। सर्च करने पे आप अपने किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ देख सकते हो, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, किसी में भी आप लोग जो है ये कोर्स ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं नीचे आके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हिंदी में भी है, देखिए हिंदी में इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि IT सेक्टर से बिलोंग करता है, लैंग्वेज हिंदी और फ्री ऑफ कॉस्ट और आप लोग को यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आप लोग को सिंपली यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करना है और उसको स्टार्ट करके पूरा कोर्स ले लेना है और उसको अपने रिज्यूम में अटैच कर देना है। दोस्तों सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि आप लोग फ्रीलैंसिंग में और कौन सी वेबसाइट्स पे आप लोग काम कर रहे हो या फिर आप लोग क्या काम करना चाहते हो, मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों लास्ट में मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है इसको ज़रूर देख लेना दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो अभी तक क्या कर रहे हो इसको ज़रूर देख लेना। जितने भी आप लोग फ्रीलांसर पार्ट टाइम आप लोग चाह रहे हो आप लोग सभी लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन भी 100% यहाँ पे हो रहा है, तो जल्दी से इसको देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर मार देना, अगर पहली बार चल रहे तो मेक श्योर इस बार सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना, बगल में नोटिफिकेशन बेल इसको भी ऑन कर देना क्योंकि इससे डेली जो अपडेट्स मैं आप लोग लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।